नए चेहरे नई ऊर्जा नई उड़ान दिल्ली मांगे कमल निशान के स्लोगन के साथ बीजेपी दिल्ली ने दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए अपना पहला पोस्टर और प्रचार गीत का लोकार्पण किया है। हमारा उद्देश्य है हम हर घर घर तक जाएंगे, हर दरवाजा खटखटाएंगे, जो लोग निराश बैठे हैं उन्हें उठाएंगे, उनको चलाएंगे दौड़ाएंगे। दिल्ली को कुछ लोगों ने रुलाने की कोशिश की है, हम दिल्ली को मुस्कुराहट देंगे। इस मौके पर बीजेपी के बड़े नेता मौजूद थे। मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली में आज चारों ओर नकारात्मक अखाड़ा बना हुआ है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की जनता के पैसे को अपने निजी स्वार्थ के लिए लूटा है और अब मनोज तिवारी सरकारी खजाने में पैसा वापस चाहते हैं। एक ठेला खोमचा लगाने वाला व्यक्ति बोल रहा है कि 97 करोड़ रुपया जो आम आदमी पार्टी ने अपने ऊपर, अरविंद केजरीवाल ने अपने ऊपर खर्चा किया, उसमें मेरा भी पैसा है, मुझे वापस होना चाहिए। 2017 के दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए दिल्ली भाजपा ने संकल्प लिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल्पना के न्यू इंडिया के अनुरूप एक नवीन दिल्ली बनाएंगे। गवर्नेंस नाउ के लिए पवन त्रिपाठी।